To be. A very good morning to all of you. Good morning to all. Yes, I have, sir. We'll start the class in one minute. Please confirm that audio and video is clear. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आई गेस सब ऑडियो वीडियो क्लियर है देर इज नो इशू ओके सो लेट्स बिगिन आर टुडेज क्लास अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैं हूँ कोमल परिक और आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में एंड आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल इन आर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ये सी सिज वेल एज इन माई टुडेज क्लास तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज रिवर ट्रेनिंग वर्क ओके सो हम लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में येस ओके सो लेट्स बिगिन आर टूडेज क्लास सो दिस इज अनअकेडमीज लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न थ्रू लाइव क्लासेस एज आप जिस तरीके से यूट्यूब में पढ़ रहे हैं आप इसी तरीके से अगर अन एकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आप अन एकेडमीज लर्निंग ऐप से भी लाइव क्लासेस जो है वो यहाँ पर लाइव क्लासेस जो है वो पढ़ सकते हैं एंड इन लाइव क्लासेस में आप अपने जो भी क्वेरीज हैं क्वेश्चन हैं वो भी एजुकेटर के साथ डिस्कस कर कर सकते हैं आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं सो so, आपकी यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी और उतना ही नहीं आपका परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए आपकी यहाँ पर लाइव टेस्ट एज वेल एज क्विजेज भी रखी जाएंगी सो दैट विल बी एट ऑल इंडिया लेवल सो आपकी जो भी परफॉर्मेंस का इवेल्यूएशन होगा वो आप ऑल इंडिया लेवल पर जज कर सकते हैं दैट वेर यू स्टैंड एंड इतना ही नहीं उस आ, सारे टेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो डिटेल में आपको दिया जाएगा सो आपको कहीं पर भी क्वेरी है या कन्फ्यूजन है तो आप उसी लाइव टेस्ट के टाइम अपने एजुकेटर से अपने क्वेश्चन और क्वेरीज पूछ सकते हैं और उतना ही नहीं आप उस ऐप में अपने जो भी क्वेश्चन हैं उसके फोटोग्राफ्स भी अपने एजुकेटर को सेंड कर सकते हैं कि सर आ, और मैम मेरा ये वाला क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट में यहाँ पर डाउट है तो आप डायरेक्टली अगर अपना क्वेश्चन का फोटो भेजेंगे तो वो डायरेक्टली लाइव क्लास में ही उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे एंड यू हैव ऑल्सो द अनलिमिटेड एक्सेस तो आप अगर कोई एक लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशन में देख भी सकते हैं और उस रिकॉर्डेड सेशन की जो पी डी उस लाइव uh, क्लास की जो पी डी एफ है वो भी आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द अन एकेडमीज लर्निंग एप जो अपने आप से अपडेट हो जाती है जैसे ही क्लास फिनिश होता है सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमीज लर्निंग एप एंड अगर आपको अपनी पूरी प्रिपेरेशन अनकेडमी के साथ करनी है तो आप अन uh, अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल एज सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं तो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं वो तो आपको आइकॉनिक में मिल ही जाएंगे बट उसके साथ साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्सनल कोर्स होंगे आपके साथ फिर आपकी वहाँ पर ई एस सी मीनस की प्रिपरेशन भी करा दी जाएगी तो so, ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की हेल्प से मिल सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन तो आप अनएकेडमी लर्निंग ऐप पर जाकर uh, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड ले सकते हैं एंड दिस आर द कोस्ट ऑफ अनएकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कोड कोमल सो लेट्स बिगिन आर टूडेज क्लास अगर किसी को कोई क्वेरी है तो ये फीडबैक फॉर्म जो है वो फिलअप करके अपने जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन वो आप पूछ सकते हैं और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी ओके सो लेट्स बिगिन आर टुडेज टॉपिक विच इज रिवर ट्रेनिंग वर्क एज सच गेट और ये सी कि अगर हम लोग बात करें तो गेट के हिसाब से तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अगर ये सी से बात करें तो ये इससे कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हम लोग जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे और इसकी जो रिवर ट्रेनिंग वर्कस की जो यू कैन से डिज़ाइन प्रोसीजर है और वो सारी चीज़ें हैं उसकी एक पी जो एन uh, पी अवेलेबल है वो मैं, मैं आपके साथ uh, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगी। तो आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए डिज़ाइन रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप वहाँ से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं उसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारी डिज़ाइन किस तरीके से की जाती है वो बताया गया है विद द यू कैन से एग्जाम्पल्स सॉल्ड एग्जांपल्स ठीक है सो so, अभी हम लोग हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क इस लेक्चर की पी डी एफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो आप साथ, साथ में सिर्फ लेक्चर uh, को सुनिएगा लिखिएगा नहीं अगर आपको लिखना है तो आप बाद में जो मैं आपको पी डी एफ उससे आप आराम से बाद में लिख सकते हैं ठीक है बिकॉज डायग्राम्स भी हैं और रिटर्न वर्क भी है सो uh, so आप दोनों चीजें अभी लिखने जाएंगे तो फिर समझना रह जाएगा सो so आप अभी जस्ट समझने का uh, uh, समझने पे फोकस कीजिएगा ओके okay. सो फर्स्ट थिंग इज वॉट वी मीन बाई रिवर ट्रेनिंग वर्क और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी सो बाई द टर्म रिवर ट्रेनिंग टू अडोप्ट ऑन रिवर फॉर ऑबली वी आर गोइंग टू ट्रेन अ रिवर क्यों हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं और उसको ट्रेन करने का मतलब क्या है टू स्टेबिलाईज द रिवर वी आर गोइंग टू मेक एन अनस्टेबल रिवर टू अटेबल वन मीन्स वो अनस्टेबल क्यों है और उसको हम लोग स्टेबल क्यों बना रहे हैं तो अनस्टेबल का मतलब क्या है स्टेबिलाईज द रिवर अलॉन्ग अटेन अलाइनमेंट इफ इट इज अनस्टेबल मीन्स इट इज नॉट अलॉन्ग अ प्रॉपर अलाइनमेंट उसकी जो अलाइनमेंट है वो फिक्स नहीं है इट इज अग जैक्ट मूवमेंट विच इज नॉट फिक्स विच इज गेटिंग चेंज विथ टाइम सो टू स्टेबिलाईज कैन से सेट ऑफ योर रिवर वी आर गोइंग टू डू रिवर ट्रेनिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विद अ अटेन क्रॉस सेक्शन सो उसका हम लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में और अलोंग द सर्टेन लेंथ ही वो हमारे रिवर जो है वो मूव करें दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अडॉप्ट रिवर ट्रेनिंग वर्क अब समझो हो क्या रहा है लेट्स से ये जो आपके रिवर थी ये इस डायरेक्शन में पहले अलाइन थी अब क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी फ्लड्स आ गए और हम लोगों ने उसको अच्छे से एक अलाइनमेंट में फिक्स नहीं किया तो उसकी अगर एक वैल्यू जो है उस डिस्चार्ज से उसकी अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो हो सकता है साइड के जो लो लाइन प्लेन्स हैं फ्लड प्लेन्स ये जो फ्लड प्लेन्स हैं यहाँ पर ये रिवर का पानी आकर ये यहाँ पर क्या कर सकता है इस पूरे ये जो लैंड है आसपास की यहाँ पर बाहर आ सकती है अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा रिवर का पानी जो है वो बाहर आ गया ठीक है तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है लेट्स मुझे इस रिवर के अलोंग यहाँ पर एक ब्रिज बनाना था तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पर मुझे ब्रिज बनाना है और इतने सेक्शन में रिवर है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने नीचे पियर्स अपार्टमेंट्स और सब कुछ लगा दिया फिर पता चला जैसे ही तीन साल गए तो ये रिवर जो ऐसे फ्लो कर रही थी उसके बाद ये इस तरीके से फ्लो करने लग गई तो फिर अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा फिर ब्रिज इस डायरेक्शन में जाना लेकर जाना होगा फिर अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमको इस डायरेक्शन में ब्रिज बनाना पड़ेगा सो तो अगर हमारी रिवर की जो अलाइनमेंट है उसका क्रॉस सेक्शन है अगर फिक्स हो जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ पर कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकते हैं ठीक है सो दिस आर द सर्टीन रीजन फॉर विच वी आर गोइंग टू डू रिवर ट्रेनिंग ठीक है सो so सबसे पहले रिवर ट्रेनिंग का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हाउ इट इज क्लासिफाइड आफ्टर दैट हम लोग वन बाय वन सारी चीजें इन ब्रीफ हम लोग वन बाय वन देखेंगे सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट वे इज दिस इज द ओल्डेस्ट वे दिस इज़ द ओ ओल्डेस्ट मेथड विच इज मार्जिनल एम्बैकमेंट्स और लेवीज इन दोनों का मतलब एक ही होता है सो द फर्स्ट इज मार्जिनल एम्बैकमेंट्स एंड लेवीज एंड इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे द सेकेंड इज गाइड बैंक्स और गाइड बंब्स दिस इज द सेकेंड वन हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड को डिस्कस करेंगे और इसको हम लोगों ने जब हम लोग क्रॉस uh, नहीं हम लोग जब uh, कैनाल हेडवर्क्स पढ़ रहे थे केनाल हेडवर्क तभी हम लोगों ने देखा था मार्जिनल एम्बेकमेंट्स एज वेल एज लेवीज और गाइड बंस तो अभी हम लोग उसकी फिगर भी वापस से देखेंगे जब भी हम लोग साथ साथ में थियरी पढ़ेंगे सो दिस आर फर्स्ट एंड टू फर्स्ट एंड सेकेंड द थर्ड इज ग्रोइंग्स और स्पॉर्ट्स ग्रोइंग्स और स्पॉर्ट्स का मतलब भी एक ही होता है फोर्थ इज पिचिंग ऑफ बैंक्स जो भी आपकी साइड uh, की जो रिवर की बैंक्स हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे उसको हम लोग पिच कर देंगे इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ आइदर यू कैन से स्टोन और यू कैन से यू कैन डू सीमेंट ग्राउटिंग इस तरीके से हम लोग उसकी पिचिंग कर सकते हैं नॉर्मली स्टोन की हेल्प से की जाती है तो so, इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड उसकी जो भी बैंक्स है उसको हम लोग पिचिंग कर देंगे जिसके कारण क्या हो कि अगर आपकी रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाए तो साइड की जो बैंक्स है वहाँ पर इरोजन ना हो ठीक है और जो फिफ्थ है दैट इज़ पिच आइलैंड तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारे रिवर होती है इस रिवर में हम लोग बीच में एक आइलैंड बना देते हैं ठीक है इसके कारण क्या हो जाएगी इसकी जो विथ है वो रिड्यूस हो जाएगी और उसके साथ साथ क्या होगा ये जो भी इसमें वाटर जो है वो इस आइलैंड की तरफ अट्रैक्ट होगा ये जो बीच का आइलैंड है ठीक है और उसके कारण क्या होगा जो हमारी साइड की बैंक्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी सो आर द यू कैन से बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ योर रिवर ट्रेनिंग वर्क सो हम लोग वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं सॉरी द फर्स्ट इज मार्जिनल एम्बेकमेंट्स सो मार्जिनल एम्बेकमेंट आर नथिंग बट द दर्द एम्बेकमेंट्स विच आर ऑल्सो नोन एज लेवीज

flood water within the cross section available between the embankments so hum log usko kya wala hai? we are going to confine the width of the river along this two uh, embankments which are constructed on the either side of your river the flood water of river is thus not allowed to spill over to the flood plains as normally would have been ok so these are designed on the same uh, principle as that of earthen डेम्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज केस वन इन दिस केस वन एज देयर वर नो यू कैन से रिवर प्रोटेक्शन वर्क विच डन सो यहाँ पर अगर पानी बहुत ज्यादा होगा तो ये साइड के जो फ्लड प्लेन्स हैं आपकी इस फ्लड प्लेन्स पर वाटर जो है वो आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर कोई भी स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड होंगे लेट से कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्टेड होगा तो हो सकता है ये इस बाहर के अंदर आ जाए ठीक है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने केस बी में क्या बनाया है वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द विथ ऑफ रिवर विद द हेल्प ऑफ दिस लेवीज ठीक है बट इस लेवीज का भी कुछ ना कुछ एक लिमिट होगा हम लोग इनफाइनाइट हाइट तक तो ले नहीं जा सकते हैं सो so, एक सर्टेन हाइट तक हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट फिर अगर उससे ज़्यादा पानी आएगा देन इट इज गोइंग टू ओवरफ्लो बट हम लोग इसको कुछ ना कुछ हद तक इस पानी की विर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका कुछ डिस्चार्ज जो है उसको कुछ हाइट तक हम लोग मेनटेन

The ग्रेजुअल राइज ऑफ रिवर बेड द ग्रेजुअल राइज ऑफ level over the years due to deposition of sediments. ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप यहाँ पर केस ए में देखिए, दिस ऑरेंज कलर इज शोइंग यू दिस इज शोइंग यू द सिल्ड डिपोजिशन वेन देर आर नो एम्बेकमेंट कंस्ट्रक्टेड ऑन आईदर साइड ऑफ द बैंक अब उसके बाद क्या हुआ आपने इसको कन्फाइन कर दिया तो सिल्ट का कंसनट्रेशन है वो उस विट के अक्रॉस बढ़ जाएगा और उसी के कारण क्या होगा आपकी जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है जो हम लोग चाहते थे कि इसके हेल्प से बढ़नी चाहिए बट नाउ दिस कैपेसिटी इज़ फर्दर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट ऑन द बैंक ऑफ योर ऑन द बेड ऑफ योर रिवर ठीक है और उसी के कारण क्या होगा यहाँ पर सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा और वापस से फिर जो डिस्चार्ज था वो बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि आसपास के जो लो लाइंग फ्लड प्लेन्स हैं वहां पर पानी आ जाए सो दिस इज द यू कैन से इल इफेक्ट और यू कैन से लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल सो ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मली अ रिवर इन इट्स ओरिजिनल अनरिस्ट्रिक्टेड शेप डिपोजिट सिल्ड अलॉन्ग फ्लड वाटर नॉट ओनली इन इट्स रिवर बेड बट ऑल्सो ऑन द फ्लड प्लेन्स बिकॉज ऐसा तो अब यहाँ पर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया है उसको तो जो सिल्ट है वो कहीं पर भी जाकर डिपॉजिट हो सकती है नीचे ठीक है बेड पर

ओके चलो सो नेक्स्ट इज गाइड बैंक्स और गाइड बंस सो व्हाट इज दैट एक्चुअल में ये स्टार्ट कैसे हुआ इसकी रिक्वायरमेंट कैसे आई एलुवियल रिवर्स एंड फ्लड प्लेन्स स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया ड्यूरिंग फ्लड्स अब प्रॉब्लम जनरली कब होती है व्हेन देयर इज फ्लड लाइक सिचुएशंस फ्लड में ही क्या होने वाला है रिवर का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होने वाला है और उसी के टाइम हो सकता है कि उसकी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है उसके बदले उसकी अलाइनमेंट कुछ और हो जाए ठीक है एंड इट वुड बी वेरी कॉस्टली टू प्रोवाइड ब्रिजेस और एनी स्ट्रक अदर स्ट्रक्चर अक्रॉस द एंटायर नेचुरल स्प्रेड ठीक है तो उसकी विथ्थ उस टाइम पर बहुत 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 ज्यादा बढ़ रही होगी इट इज नेसेसरी टू नैरो डाउन एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स कोर्स टू फ्लो एक्जुअली अलॉन्ग द डाइवर्जन स्ट्रक्चर सो जो हमारे गाइड बैंक्स और गाइड बंस हैं वो हम लोग जनरली कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एट द डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स तो अभी हम लोग उसकी आगे फिगर देखेंगे

दिस इज न कैनाल हेडवर्क जो हम लोगों ने फिगर डिस्कस की थीडवर्क we तो ये है उसका ही थ्री डी फिगर है जो हम लोगों ने क्लास में पहले discuss किया है. तो ये आपका मार्जिनल बंड है जो हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस किया और यू कैन से मार्जिनल एम्बेकमेंट और ये आपका है गाइड बैंक ठीक है तो ये गाइड बैंक क्या करेगा ये जो आपका डाइवर्जन हेडवर्क है उसको उसके पास जो रिवर है उसको एक कन्फाइंड विट्स में यहाँ पर लाके छोड़ देगा जिसके कारण क्या हो अगर यहाँ पर नहीं होगा तो हो सकता है ये पानी कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है इज वेरी हाई डिस्चार्ज सो हम लोग पर एक एम्बेकमेंट uh, खड़ा कर देंगे जिसके कारण हमारी जो रिवर है वो एक कन्फाइंड डायरेक्शन में ही अब फ्लो करेगी ठीक है सो दिस इज नथिंग बट योर गाइड बैंक दिस आर सिमिलर टू यू कैन से वॉल्स ओके सो दिस आर मार्जिनल बंड्स एंड गाइड बैंक नाउ द नेक्स्ट इज ग्रोइंस और ग्रोइंग

एंड वी नो टू थिंग्स अगर जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी एक डिफाइंड लिमिट लेट्स ए क्रिटिकल वेलोसिटी जो हम लोगों ने डिफाइन की थी उससे वेलोसिटी कम हो जाती है तो देर विल बी सिल्टिंग सो देयर विल बी सिल्टिंग विच विल भी अकरिंग एट द लोकेशन वेर द वैलोसिटी इज रिड्यूस्ड एंड द थर्ड थिंग इज प्रोटेक्टिंग द बैंक बाई कीपिंग द फ्लो अवे फ्रॉम इट तो जहाँ पर आपकी वेलोसिटी कम होगी वहां का आपका जो बैंक है दैट इज गोइंग टू बी सेफ बिकॉज वहाँ पर वेलोसिटी कम है जैसे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो हो सकता है वहाँ पर इरोशन कर दे और उसके व्हेन इट इज गोइंग टू स्ट्राइक विथ हाई वेलोसिटी उसका जो सरफेस होगा उसको वो डिग्रेड कर सकता है आपके बैंक को ठीक है सो इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द बैंक एंड द लास्ट थिंग इज कॉन्ट्रैक्टिंग अ वाइड रिवर चैनल यूजली फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ डेप्थ फॉर नेविगेशन मीन्स अगर आपकी विट्स रिड्यूस हो रही है मतलब हमारी डिस्चार्ज की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है अगर डिस्चार्ज आपका फिक्स है सो so डिस्चार्ज कि करस्पॉन्डिंग तो और क्रॉस के साथ साथ आपकी डेप्थ आएगी ठीक है तो अगर हम लोग विथ है वो रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारी जो डेप्थ है वो बढ़ेगी और अगर हमारी डेप्थ बढ़ेगी तो वहां से हम लोग नेविगेशन पर्पस के लिए इस हमारी रिवर को यूज कर सकते हैं ठीक है सो इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द विथ

और शेप है ये दे आर द सम ऑफ द स्पेशल केसेस ठीक है सो so हम लोग वन बाय वन सभी को देखते हैं फिगर के साथ ओके सो फर्स्ट इज योर अट्रैक्टिंग ग्रोइंग ठीक है तो अट्रैक्टिंग ग्रोइंग का मतलब क्या है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लो मीन ये आपका अपस्ट्रीम है ये आपका डाउनस्ट्रीम है तो ये क्या कर रहा है दिस इज यू कैन से अलाइन टू द डाउनस्ट्रीम साइड जिसका नॉर्मली एंगल आपको कभी पूछ लेते हैं इट इज फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डिग्री विद द बैंक ठीक है सो so, उसके कारण क्या होने वाला है यहाँ पर आपने डाउनस्ट्रीम के साइड उसको अलाइन कर दिया जिसके कारण क्या होगा यहाँ पर आपका जो फ्लो है वो उसके अट्रैक्ट होगा ठीक है जिस भी साइड आपका डाउन स्ट्रीम में वो आपका ग्रोइन आपने बनाया है उस साइड आपका फ्लो है वो अट्रैक्ट होने वाला है जिस के कारण हम लोग उसको कहते हैं अट्रैक्टिंग ग्रोइन ठीक है सो so, उसके कारण क्या होगा इस रीजन में एट दिस रीजन अपस्ट्रीम ऑफ योर देयर विल बी हाई वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है और उसके डाउनस्ट्रीम साइड पर यहाँ पर आते आते इसको जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी इस पोर्शन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पोर्शन पर क्या हो रहा है देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ स्काउर होल्स जैसे ही ये यह इसको यहाँ पर यू कैन से जैसे ही स्ट्राइक करेगी तो उसके कारण ये जो बॉटम की सरफेस है वहां पर यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ स्काउर होल्स विल अकर ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्काउट होल्स स्काउट होल्स आपकी वेलोसिटी यहां पर आते-आते आते, आते, आते uh, increase हो रही है, Because आपने width reduce कर दी तो उसकी जो वेलोसिटी है ठीक है, क्लोजर टू द रिपेलिंग ग्रोइंस अब रिपेलिंग ग्रोइंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बैंक ठीक है एंड द सेफ गार्ड इट इज गोइंग टू सेफ गार्ड द अपोजिट बैंक अगेंस्ट द अटैक ऑफ करंट मीन्स ये जो आपकी बैंक है यहाँ पर क्या होने वाला है इट विल बी सेफ अगेंस्ट यू कैन से द कर बिकॉज यहाँ पर आते 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 इसने क्या किया ये जो है इसको इस साइड अट्रैक्ट कर दिया और उसके कारण क्या होगा यहाँ पर आते, आते आते आपके फ्लो की वेलोसिटी है वो बहुत बहुत बहुत, बहुत रिड्यूस हो जाएगी ठीक है सो दिस इज नथिंग बट योर अट्रैक्टिंग ग्रोइंग मतलब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इस पोर्शन में सिल्ट पॉकेट होगा वाटर पॉकेट एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टिल वाटर पॉकेट यहाँ पर क्या होगा देयर विल बी सिल्टिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर सिल्टिंग होने वाला है इसके कारण आपकी जो बैंक है दिस बैंक विल बी प्रोटेक्टेड बट यहाँ की ये वाली जो सरफेस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यू कैन से प्रेशर से पानी है वो स्ट्राइक करेगा ओवर दिस अपस्ट्रीम सरफेस ऑफ योर अट्रैक्टिंग ग्रोइंग ठीक है नेक्स्ट इज रिपेलिंग और रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग तब इसमें क्या होगा ये हम लोग अपस्ट्रीम के अलोंग सॉरी डाउन स्ट्रीम के अलोंग अलाइन कर रहे थे इसमें क्या होगा इट इज गोइंग टू बी अलाइंट अलोंग योर अपस्ट्रीम दिस इज अलाइं अलोंग अपस्ट्रीम डायरेक्शन इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द अपस्ट्रीम एट एन एंगल ऑफ 10 टू 30 डिग्री टू द लाइन नॉर्मल टू द बैंक सो इसका अलाइनमेंट कितना होगा इट इज 10 टू 30 डिग्री टू दिस सो हम लोग क्या कहेंगे 90 माइनस टेन मीन्स एटी टू और 90 माइनस थर्टी सिक्सटी सो यहाँ से कितना होगा 60 टू एटी डिग्री सो कभी कभी एंगल पूछ लेते हैं सो so, इतना रेंज में हम लोग इसको अलाइन करते हैं अलोंग द अपस्ट्रीम साइड तो इसके कारण क्या होगा अब इस पोर्शन में

ठीक है सो so इसका जो नोज है और आप हेड कह सकते हैं और so क्यों बिकॉज यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी है वो तो बहुत हाई वेलोसिटी से इस आपकी जो हेड को है वो स्ट्राइक करने वाली है जिसके कारण उसके नीचे की जो सॉइल है वहां से खिसक जाएगी उसका मतलब क्या होगा देयर विल बी स्का हेड ऑफ रिपेलिंग ग्रोइंग नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑब्वियसली मींस जहाँ पर वो ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा फोर्स से स्ट्राइक करेगी उसको हम लोगों को बहुत स्ट्रॉग बनाना होगा और यहाँ पर कौन सा पोर्शन था इट वॉज नथिंग बट द अपस्ट्रीम सेक्शन हियर इट इज द हेड सेक्शन सो हेड ऑफ रिपेलिंग ग्रोइन नीड्स बी वेरी नीड्स वेरी स्ट्रांग प्रोटेक्शन एंड यू कैन से एज कंपेयर टू अट्रेक्टिंग ग्रोइन रिपेलिंग ग्रोइन आर मोर इफेक्टिव एंड डू नॉट कॉज मच ट्रबल Thus, they are commonly used. So, out of you can say attracting and rippling groin, rippling groin are commonly used. Okay. So, first was attracting, second is rippling. So, ye दो generally Deflecting groin it is uh, of very small small. You can say very small length. Okay. it is of much shorter length, and thus rippling uh, then rippling groin, and it is built perpendicular to the bed. Okay. it is aligned. पहले केस में हमारा इस डायरेक्शन में था विच वॉज अट्रैक्टिंग दिस इज रिपलिंग एंड दिस इज डिफ्लेक्टिंग ठीक है तो ये आपका कौन सी साइड होगा डाउन स्ट्रीम साइड अलाइंड होगा ये आपका अपस्ट्रीम के साइड अलाइंड होगा और ये आपका परपेंडिक्युलर होगा टू द बैंक ऑफ योर रिवर ठीक है सो इट ओनली डिफ्लेक्ट द फ्लो लोकली एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ योर स्काउर होल्स

दैन इट कैन बी इन्वर्टेड हॉकी टाइप एंड विंग और टेल टाइप एज वेल एज किंग्ड स्पर किंग स्पर इज सिमिलर टू यू कैन से इन्वर्टेड हॉकी जैसा ही है थोड़ा बहुत बट यहाँ पर इस तरीके का आपको शार्प टर्न देखने को मिलता है तो सभी के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ ना कुछ डिसएडवान्टेज हैं सो अलग अलग केसेस में अलग अलग लोकेशन पर हम लोग इस तरीके की ग्रोइंस को यूज़ कर सकते हैं एंड द थिंग इज जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही आपका ग्रोइन होगा लाइन में बहुत सारे ग्रोइंस इस तरीके से लगे हुए होते हैं

जो आपकी डाउन स्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम की साइड अलाइंड है और उसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पर पानी जो है वो फास्टली मूव कर रहा है और हियर इट इज यू कैन से स्लो मूविंग वाटर और उसके कारण क्या हो रहा है ये आपकी जो साइड की बैंक है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड है ओके सो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं इस तरीके से आगे 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 भी क्रोइंस बनाए हुए होते हैं इस तरीके से ठीक है

देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ करवेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बैंडर मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कम्पलीट एस इज नोन ठीक है तो उसका मतलब क्या है अब इसका अगर हम लोग रीजन देखें तो इट इज डिफाइंड दैट बिकॉज ऑफ द टर्बल बिकॉज ऑफ द टर्ब्यूलेंस इन द रिवर एट द टाइम ऑफ फ्लड्स जब फ्लड्स आएंगे उस टाइम पर आपके रिवर में फ्लो होगा इट विल बी वेरी वेरी टर्ब्यूलेंट और उसी के कारण जो एक स्ट्रेट पाथ में आपके रिवर फ्लो होनी चाहिए उसके बदले इट इज गोइंग टू मूव इन जिग फॉर्म ठीक है तो और उसी को जैसे ही ये एक बना देगा उसी को हम लोग कहेंगे मियडर ठीक है सो फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बैंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एस विच इज कॉल्ड एज मियडर Now, when consecutive curves of reverse order connected with short straight ridges called as crossings are developed in a river ridge, the river is stated to be a meandering river. ठीक है तो इसी तरीके के जो S curves हैं वो साथ 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 में मिलते जाएंगे बीच बीच में हो सकता है कहीं पर एक short straight ridge भी आपको मिल जाए but maximum इसी तरीके का आपका flow होगा ठीक है तो इसी river को हम लोग कहते हैं meandering river. Okay. अब यहां पर एक टर्म आता है विच इज टर्टिटिंग विच इज रेशियो ऑफ लेंथ अलोंग द चैनल विच इज एक्चुअल लेंथ टू द डायरेक्ट एक्चुअल लेंथ ऑफ रिवर रिच इट इज वेरी सिंपल एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है

रेशियो ऑफ यू कैन से एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाई स्ट्रेट लेंथ ओके मींस ये जो आपकी विर्थ है मींस लेट से ये आपकी है फोर फोर मीटर विर्थ इतनी है ठीक है तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा इस पॉइंट पर होगा एट टू मीटर ठीक है तो उसी डिस्टेंस से लेकर ये जो लोकेशन है जहां तक हम लोग मेजर कर रहे हैं ठीक है उसका सेंटर तो वो दो पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए सो दैट इज योर स्ट्रेट लेंथ ठीक है सो एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लेंथ व्हिच इज फिफ्टीन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व यही आपकी हो जाती है टर्टियो सिटी ठीक है दिस इज टर्टियो सिटी तो रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ अलॉन्ग रेशियो ऑफ लेंथ अलॉन्ग द चैनल विच इज नथिंग बट योर एक्चुअल लेंथ टू द डायरेक्ट एक्चुअल लेंथ ऑफ रिवर रिच दैट इज डिफाइंड एज टर्ट यू सिटी ओके अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूं यस yes. सो so, आप सभी जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सो एक्चुअल में ये रिवर है ये इस तरीके से इसमें मी एंट्रिंग हो चुका है ठीक है

स्काउरिंग होगा स्काउरिंग कौन सी पोर्शन पर होगा ए पर होगा कि बी पर होगा वेयर यू विल सी द स्का ए और बी यू हैव टू ऑप्शन सो यू हैव टू टेल मी एर बी एक ही सेकेंड हम लोग लक्ष्मी उस पॉइंट पर जाते हैं ओके वन इज से अदर वन इज से स्काउरिंग मींस वहां का जो साइड का मटीरियल है इस बैंक का साइड का मटीरियल यहां से निकल जाएगा कि इस बैंक का साइड का मटीरियल निकल जाएगा एक पोर्शन पर सिल्टिंग होने वाला है एक पोर्शन पर स्काउरिंग होने वाला है बाकी सबको क्या लगता है गुड मॉर्निंग महिन्द्रा सो योर रिवर इज फ्लोइंग इन दिस फैशन at uh, one point there will be scouring and at other point there will be silting so question is where scouring will occur and where silting will occur okay so i guess two students are saying b and yes you are correct correct answer is b at b there will be scouring and at a there will be silting yes it is correct आंसर आपका बराबरी है आ, इस पोर्शन पर सिल्टिंग होगा और यहां पर स्काउरिंग होगा देखो देखो ये आपकी चैनल है ये इस तरीके से फ्लो कर रही है दिस इज योर फ्लो ऑफ योर रिवर और इस पोर्शन में इस पोर्शन में यू कैन से जिस पोर्शन पर आपका ये इस तरीके का सरफेस बनेगा विल से स्काउरिंग स्काउरिंग विल अकर बिकॉज जैसे ही पानी आएगा देखो पानी इस तरीके से फ्लो हो रहा था बट ये जैसे ही यहाँ पर आया इस पोर्शन पर यहाँ पर इस तरीके का टर्न आ गया और जैसे ही टर्न आया तो वहां पर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से टकराया होगा ये पानी बिकॉज वो नॉर्मली तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था फिर उसके बाद वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आया इसलिए फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गई फिर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आया इसलिए उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गई तो जिस पोर्शन पर वो जोर से टकराएगा वहां पर क्या होने वाला है वहां का जो मटीरियल है वो निकलता जाएगा एंड यू कैन से देर विल बी स्काउरिंग दैट इज गोइंग टू अकर देखो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आपको स्काउरिंग देखने को मिलेगी और दूसरा पोर्शन जो है उसकी अपोजिट साइड पर यहाँ पर वेलोसिटी जो है कम्पेरेटिवली कम हो जाएगी और उसी के कारण यहाँ पर सिल्टिंग हो जाएगा ओके सो दिस आर द टू थिंग्स विच इज़ गोइंग टू हैपन अब अगर किसी को याद नहीं रह रहा है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ये मुझे इंटरनेट से मिला था सो आई होप आपको इस तरीके से याद रह सकता है ओके okay, सो so इस तरीके से लेट्स दिस इज योर अपस्ट्रीम सेक्शन एंड दिस इज योर डाउन स्ट्रीम सेक्शन एंड ये जो पोर्शन है जहां पर डी बनेगा देर यू विल बी डी मीन्स डिपोजिशन और यू कैन से सिल्टिंग सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे और ये जो पोर्शन है देयर विल बी इरोजन ओके सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे यहाँ पर आपकी जो सॉइल है दैट इज गोइंग टू बी डिपोजिटेड और यहाँ से सॉइल जो है दैट इज गोइंग टू बी इरोड ओके सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे यर दिस इज डी जहां जहां पर आपका डी बन सकता है वहां वहां पर आपका डिपोजिशन होगा और यू कैन से सिल्टिंग होगा कैपिटल डी परफेक्टली फिट्स ऑन द डिपॉजिशन साइड एंड इरोजन इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डिपोजिशन सो ई गोज इ एक ही सेकेंड ओके सो यू कैन रिमेम्बर इन दिस वे ओके ठीक है और देखो क्या होता है मेंडर जब होती है तब समटाइम्स मेंडरिंग रिवर क्लोज ऑन देम सेल्स एंड फॉर्म्स ऑक्सबो लेक्स देखो समझे ऑक्सबोल एक कैसे बनता है देखो ये आपकी जो रिवर है ये इस तरीके से फ्लो हो रही थी बिकॉज ऑफ मियन रिंग ठीक है तो क्या हुआ अब हो सकता है यहाँ पर क्या हो रहा है दिस इज यहाँ पर डिपोजिशन होने वाला है और यहाँ पर क्या होने वाला है इरोजन होने वाला है यहाँ पर डिपोजिशन होगा यहाँ पर इरोजन होगा सो so, क्या होगा ये जो पोर्शन है अच्छा अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया वरना क्या हो सकता है ये जो पोर्शन है सॉरी लाइन निकल गई और यू कैन से इन दिस पोर्शन ये जो पोर्शन है यहाँ पर इस तरीके से इसको थोड़ा बना देते हैं सो हियर इन दिस पोर्शन यू कैन से देर विल बी डिपोजिशन और हो सकता है ये पास पास में आते 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 एकदम पास आ जाए और ये यहाँ से फिर इसी पोर्शन से मर्ज हो जाएगी इन दिस वे ठीक है तो ये यहां से मर्ज हो गई और फिर ये जो ऊपर का पोर्शन था ये अलग से सेपरेट हो जाएगा दैट इज योर ऑक्सबोलिक ओके और यही इस फिगर में भी बताया गया है ये पोर्शन यहां से सेपरेट हो गया From this end. और फिर ये अलग होकर यहाँ पर अलग सेक्स्ट एक पॉइंट एक okay. हो पर जाते हैं ओके okay. सो so last थिंग इज देखो सो hmm. so हम लोगों ने जो अभी देखा क्या हो सकता है हो सकता है ये जो पोर्शन थी यहां पर और यहां पर ये पोर्शन हो सकता है कि एक पॉइंट पर एकदम 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 पास में आ जाए और यहां पर फॉर्म तो हो सकती है ठीक है और ये कट ऑफ चैनल फॉर्म होने के बाद अब आपका जो फ्लो है वो उसको इस तरीके से बेंड होके नहीं जाना होगा नाउ इट कैन डायरेक्टली मूव इन दिस फैशन ठीक है तो उसके कारण क्या होना चाहिए यहां पर स्काउरिंग 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 हो हो दोनों साइड के कारण आपकी जो चैनल का वाटर है वो जो हो चुकी है वहां पर स्पेस आ गई है उस स्पेस के कारण वो वाटर पास 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 में आता जाएगा और फिर यहां से अब डायरेक्टली पानी ये जो पानी है अब ये डायरेक्टली इस साइड जा सकता है दिस चैनल इज नोन एज योर कट ऑफ चैनल ओके सो क्या होता है एकदम फ्लो होता है इन द शेप ऑफ एस और कट ऑफ में क्या होता है हम लोगों ने फिनिश कर दिया है अब अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिस इज दिस इज रिवर ट्रेनिंग एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क विच इज गिवन बाई आई आई टी खरगपुर एन पी टी एल का ये पोर्शन है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं अदरवाइज़ मैं आपको जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप उसमें भेज दूंगी इसमें बहुत ही डिटेल में गिवन है थर्टी फोर पेजेस की ये पूरी पी डी एफ है देखो इसमें पूरी डिज़ाइन गिवन है कि किस तरीके से आप रिवर ट्रेनिंग वर्क कर सकते हैं जो हम लोगों ने अभी देखी थी डाइवर्जेंट स्ट्रीम कॉन्वर्जेंट स्ट्रीम एंड ऑल दिस ठीक है तो आप वहाँ पर इसकी पूरी पी डी एफ अगर आपको डिटेल में देखना है तो भी आप देख सकते हैं ओके दिस आर ऑल द यू कैन से प्रोविंस आज मेरा लास्ट डे है ऑन अन एकेडमी मैंने आरसीसी हाइड्रो और इरीगेशन कंप्लीट कर दिया है ना ओके सो आई विल शेयर यू द पी डी एफ देखो दिस इज़ द कट ऑफ चैनल मार्जिनल एम्बेकमेंट्स ये देखो रिवर टिस्टा के अलॉन्ग उन्होंने एक एक्चुअल फिगर दी हुई है कि वहाँ पर किस तरीके से मार्जिनल एम्बेकमेंट बनाई हुई है ठीक है तो आप ये सारी चीज़ें अगर आपके पास फ्री टाइम है तो बाद में पढ़ सकते हैं ओके okay, चलो तो अब पी डी एफ आप शांति से पढ़ सकते हैं बाद में वी आर गोइंग टू एंड टू सेशन द नेम ऑफ़ ग्रुप इज़ लेट्स क्रैक गेट एंड ये सी टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ये सी सिविल सो इन दिस ग्रुप जो भी मैंने पढ़ाया है आपको अभी तक आर सी सी आइड्रोलॉजी और इरीगेशन इन तीनों की पी डी एफ में एक वीक uh, के बाद इसके एक वीक के अंदर अंदर विद इन सिक्स टू सेवन डेज मैं इन सभी की पी डी एफ जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको कंपाइल करके आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगी सो वेट फॉर वन वीक एंड uh, आज हमारा सिक्स पी एम को लेक्चर है सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द प्रीवियर क्वेश्चन इरीगेशन के मैंने देखो यहाँ पर दिस इज पार्ट वन दिस इज पार्ट टू थ्री फोर फाइव सिक्स इतने हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन कर लिए हैं प्रीवियसियर क्वेश्चन ऑफ़ इिरीगेशन टूडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट सेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑन प्रिवियसियर क्वेश्चन ऑफ इरीगेशन एट सिक्स पी एम ऑन एन अकेडेमी थैंक यू थैंक्स टू एवरी वन सो आज मेरा YouTube का लास्ट लेक्चर था अब किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर अपने क्वेश्चन क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं सो थैंक्स टू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड लिसनिंग मी पीसफुली फॉर फॉर योर सब्जेक्ट्स सो कोई भी टेक्निकल क्वेरीज है रिगार्डिंग आर सी सी हाइड्रोलॉजी इरीगेशन तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन हैं क्वेरीज हैं मुझे भेज सकते हैं और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी पी डी एफ मैं आपको वहाँ पर भेज दूँगी यस yes. ओके सो थैंक्स टू वी विल मीट एट एंड पर भी लास्ट लेक्चर रहेगा जन अकेडमी पर सो so इसके इरीगेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग वहाँ पर कर लेंगे ओके सो थैंक यू थैंक यू महिंद्रा थैंक्स टू एवरी वन अच्छा डैम अच्छा आप डैम के बारे में कह रहे हैं डैम का एक्चुअल में क्या है कि डैम का जितना भी आपके आ, अगर हमें गेट की बात करूँ जो हमको यूट्यूब पर गेट के रिलेटेड ही पढ़ाना होता है सो so, गेट के रिलेटेड जो भी चीज़ें आई है मैंने पढ़ा दी हैं अगर आपको एस एस जेई रिलेटेड पढ़ना है तो एस एस जेई की हमारी यूट्यूब की अलग से चैनल है अन एकेडमी एस एस जेई तो वहाँ पर आप उसके लिए कंटेंट के लिए वहाँ पर आपको उसका इरिगेशन का जो डैम का रिलेटेड कंटेंट है वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा ठीक है तो अगर आपको एस ए जे के लिए प्रिपेयर करना है तो उसका अलग से चैनल है अन पर और एस ए जे का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा है ठीक है तो आप वहाँ से उसके लेक्चर्स देख सकते हैं नो दिस वॉज माई लास्ट सब्जेक्ट इरीगेशन ओके क्या कह रहे हैं आप सुमेश ओके okay, सो so हम लोग आज आ, शाम को की की so we'll 6 बजे इरिगेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे गेट एंड ई के सो विल मीट एट सिक्स पीएम टुडे टिल देन यू कैन एंजॉय योर डे यस थैंक्स टू एवरीवन Thanks for listening me. Have a nice day. Goodbye.